जय हिंद साथियों, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, देश की आवाज़, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारी जो बहनें हैं उनकी लगातार जो है स्थिति गंभीर होती जा रही है, लगातार जो है उनकी हालत जो है ख़राब होती जा रही है। और पिछले 4 दिन से जो है ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं नागपुर महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नितिन गडकरी जी के घर के बाहर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है नितिन गडकरी जी जो है एक बार भी जो है इनकी सुध लेने नहीं आए कि बताइए आपका दर्द क्या है, बताइए आप क्या चाहते हैं। और मैं आप सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इनको देश सेवा का मौका दिया जाए, इनको देश सेवा करने के लिए जो है इनको सरकार जो है एक परमिशन दे ताकि ये जो है देश सेवा करें, देश के चौकीदार बने और सरहदों पे जो है ये जाएं और हमारे देश की सुरक्षा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेता हैं वो जो है चुनाव के समय जो है भाग 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 के जो है घर घर में जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज जब भी युवाओं को जब उनकी ज़रूरत है, जब वो उनके घर पे गए हैं और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको जो है बेरोजगारी से जो है निजात दी जाए और उन्होंने अगर ऑल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं तो उनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन एक भी जो है बीजेपी का सांसद या मंत्री या नेता जो है उनके पास नहीं आया। और यहाँ तक कि जो नितिन गडकरी जी हैं वो भी जो है युवाओं को जो है उठने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है SSGD युवाओं के साथ इस तरह से किया जा रहा है, कल आपके साथ भी होगा। तो सभी युवा जो है मिलकर आवाज़ उठाएं और इसके लिए जो है बुलंद तरीके से आवाज़ उठाएं और रोज़गार की मांग करें।